इसके पहले संविधान में हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम 1992 पढ़ा था। उसके प्रमुख बिंदुओं को हमने आपको अलग अलग करके बताया था क्या क्या उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम क्या है 1909 क्या हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इस अधिनियम को क्या जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मार्ले मिंटो किस नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा क्यों जाना जाता है इसके दो बातें हैं। इसे क्यों मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार इसे क्यों कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्योंकि जिस समय यह अधिनियम बना था उसके लिए इन दोनों लोगों का सबसे प्रमुख योगदान था किसका मार्ले और मिंटो का। और आपको जानकर हैरानी होगी मार्ले क्या थे ये जो मार्ले थे ये थे इंग्लैंड के सचिव थे। कौन सचिव थे सचिव के बारे में कल बताया था कौन सचिव राज्य सचिव इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। हमने ये देखा कि मार्ले जो थे वो कौन थे इंग्लैंड के राज्य सचिव। जबकि मिंटो कौन था मिंटो उस समय लॉर्ड मिंटो अगर देखा जाए लॉर्ड मिंटो जो थे ये थे भारत के वायसराय भारत। इन दोनों को सम्मिलित रूप को मिलाकर हम इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। इसमें वायसराय कहाँ के थे भारत के थे कौन मिंटो जिन्हें लॉर्ड मिंटो कहा जाता था ठीक और मार्ले कौन थे मार्ले ये थे कहाँ के इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो अधिनियम लाया गया इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अच्छा मार्ले मिंटो सुधार का जो लक्ष्य था भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद का सामना करना सबसे प्रमुख था क्योंकि 1857 की क्रांति बेशक असफल हो गई किंतु 1857 की क्रांति ने भारत में उग्रवाद के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो धारा थी उसे पूरी तरह से प्रचलित कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें स्किप होती जा रही हैं इसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि वो इतिहास का सेक्शन हो जाता। इसमें बंगाल विभाजन सबसे प्रमुख था बंगाल विभाजन और धार्मिक के आधार पर जो जात के आधार पर धर्म के आधार पर जो लगातार बंटवारा होता जा रहा इसलिए अंग्रेज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए मार्ले और मिंटो दोनों को मिलाकर एक अधिनियम बनाया गया या भारत भेजा गया ताकि भारत में वो अपनी सत्ता की जड़ काफ़ी दिन तक बनाए रखे। उसके लिए उन्होंने क्या किया जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था उसमें जो कमियां थी उसमें जो दोष था उसे दूर करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार नाम से एक अधिनियम बनाया 1909 जिसे भेजा गया। इसका सबसे प्रमुख काम यह था कि भारत में उत्पन्न हुई पनपती हुई उग्रवाद क्रांतिकारी की भावना राष्ट्रवाद की भावना इस पर पूरी तरह से लगाम लगाना था। ठीक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। इस अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई क्या की गई इस जो केंद्रीय और भारतीय केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसमें काफ़ी वृद्धि कर दी गई। अब जहाँ केंद्रीय परिषद में पहले संख्या 16 रहती थी अब यहाँ 60 कर दी गई। अच्छा क्यों 60 की गई पता है क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर हमें भारत पे लगातार कई वर्षों तक राज करना है तो कहीं ना कहीं भारतीयों पर या भारत पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें भारतीयों को भी अपने साथ जोड़ना होगा इसलिए उनके ऐसे नियम ऐसे कानून बने ऐसे संशोधन हुए जिसमें भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो और कहीं ना कहीं यह भारत के लिए एक उनकी बड़ी कूटनीति विषाद थी या चाल थी। ठीक इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों की जो संख्या थी एक समान नहीं थी इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा ध्यान दीजिएगा
केंद्रीय हमने पढ़ चुका है इसके पहले, सरकारी बहुमत क्या था और फिर हमने देखा था भारतीय उसमें क्या दबदबा था, अस्थायी रूप से कौन थे, तो चीज़ें थी जो बाद में चलकर भी देखेंगे राज्यसभा विधान परिषद का रूप भारत में ले लेगी। तो इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको भी बहुमत की अनुमति दे दी। माने इसके पहले जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके भी बहुमत को इन्होंने क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। इन्होंने का मतलब पार्लियामेंटो सुधार जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, इसने क्या किया, जो पीछे गलतियां हुई थी इसमें उसने क्या किया, सुधार किया। ठीक, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि अंग्रेजों को इंग्लैंड वासियों के प्रतीत होने लगा या ज्ञात होने लगा कि यहाँ हमें रहने के लिए हमें भारतीयों के साथ पूरी तरह से जुड़ना पड़ेगा, उन्हें भी अपने सत्ता के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, दोनों तरह से, मतलब गैर सरकारी सदस्यों में और केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत थे सरकारी सदस्य थे उन दोनों में क्या किया, चर्चा के कार्यों का दायरा बढ़ाया, जिसमें पूरक प्रश्न पूछना, जिसमें पूरक प्रश्न पूछना, ठीक, पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर अपनी संकल्पना रखना, बजट पर बहस, उसके साथ साथ अपनी संकल्पना भी रखना, बहस के साथ साथ अपनी संकल्पना रखना आदि। फिर विधान परिषद में पटल में रखे गए जो ला या कानून थे, अधिनियम थे, उस पर भी अपनी बात रखना, उस पर विचार करना, कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि वह भारतीयों के लिए जो कानूनी दायरा था उसमें लगातार वो क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। अच्छा, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम माने भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार किसी वायसराय का गवर्नर के कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। माने कार्यपालिका परिषद इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार क्या किया गया, कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब ये था, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आगे हम लोग पढ़ेंगे और आपके साथ और साथ में आप नोट बनाते चलिएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी वीडियो में पूरी नहीं मिल पा रही है, तो आप मेरे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ आप लोग एक काम करेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दी, DURGESHSIR, दुर्गेश सर सर्च करेगा, जैसे सर्च करेंगे आप उसी साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे, फेसबुक पेज पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 और फिर 7355179012, ठीक, कॉल करके आपसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया। ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम भी आगे मिलेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्या इनके विषय में आपको जानते हैं, वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जो वायसराय का जो कार्यपालिका परिषद था इसके पहले सदस्य कौन बना, सत्येंद्र प्रसाद वर्मा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया, इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। ये इन्हें क्या बनाया गया, विधि सदस्य, विधि सदस्य, लॉज मेंबर इन्हें बनाया गया, किसे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये वायसराय की कार्यपालिका के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने पहली बात, दूसरी बात इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। ठीक, याद समझ में आ गया, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को या मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत या इसके द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता
ही कर सकते थे। माने कहीं न कहीं हम सामाजिकता की बात करेंगे तो उसमें इन्होंने बढ़ावा दिया, आग में घी डालने का काम किया। माने इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम, हिंदू सदस्यों का चुनाव हिंदू ही कर सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को एक वैधानिकता प्रदान की। माने जो सांप्रदायिकता थी उस पर क्या लगा लिया, एक वैधानिकता का एक मोहर लगा दिया, और कहीं न कहीं यह भारतीयों में फूट डालने का एक सबसे बड़ा हथियार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार मुसलमान को मुसलमान के लिए निर्वाचन करने के लिए या चुनाव में मतदान कर सकता था। यह पहली बार प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। इसलिए लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे, को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। लिख लीजिएगा, इस अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम? इसी अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया? प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, अभी इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आज इसको भली भांति और गहराई में जाकर पढ़ेंगे। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। ठीक, तो यह था अभी तक का भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताएं, जो परीक्षा के रूप में सबसे ज्यादा उपयोगी थी, जिसे मैंने आपको बताने का भरपूर प्रयास किया। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसे पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसकी नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों मिल जाएंगी और हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो साथ ही साथ आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ यहाँ से कुछ की पॉइंट याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जिसमें मार्ले इंग्लैंड के राज्य सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। और पूरा प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करना, पहली बार भारतीयों को यह अधिकार दिया गया। फिर देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया और कहीं न कहीं सचिव का पहला सदस्य भी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें उनके, मैंने पहले बताया, उनकी कूटनीति का एक प्रमुख हिस्सा था। तो लेकिन यह चीज़ें और गहराई में बताई जा सकती हैं, लेकिन आपके परीक्षा को उपयोगी जो जो चीज़ें लगी कि नहीं नहीं ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीज़ों की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं या उसी पे बात कर रहे हैं। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे कहीं ना कहीं सब चीज़ों को हमें दोबारा पढ़ा जाएगा और पढ़ना भी पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष के बारे में अलग अलग घटनाएं पढ़नी पड़ेंगी, इसीलिए आप लोग इसको नोट्स के रूप में बना लीजिएगा और इसे लिखते चलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप सभी को शेयर कर दीजिएगा और हम आपके जवाब भी देते रहेंगे और अंत में जवाब हम कमेंट के रूप में आपका दे देंगे। देखिए, सारी वीडियोज रात में बन रही है क्योंकि इसमें कितनी रात है वो मैं जान सकता हूँ, आपसे बताने से कोई मतलब नहीं है। फ़र्क कितना है, आपको कम मिल रहा है उस बात से माने रखता, लेकिन जब भी आपको मिले इसे सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, इसके लिए नंबर यहाँ और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह उपलब्ध है और वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन इलेनी भी दुर्गेश, वहाँ उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलेनी भी दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर वीडियो देखी, लेकिन इसको वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षा के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।